नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी भिंडी की सब्जी रेसिपी। एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होएगी। आज हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो एक बार इस तरीके से अवश्य ट्राई करिए। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है। अब इसको बीच से इस तरह से कट लगाएंगे और इसका कीड़ा वगैरह देख लेंगे। भिंडी अच्छी है। अब इसको दो भाग में काटेंगे। इस तरह से मैंने सारे भिंडी काट लिया है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। आप अपने हिसाब से भिंडी ज़्यादा भी रख सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे भिंडी को काट लिया है। यदि यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी भिंडियों को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब भिंडी को रखेंगे एक तरफ और इसके मसाले के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज का टमाटर था, जिसको जिस पतला पतला काट करके लिया है। 10 से 12 कलियाँ लहसुन का लिया है। 1 हरा मिर्च लिया है। अब इसको मिक्सर जार में इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों तेल का यूज किया है। आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब भिंडी को डालेंगे तेल के अंदर और पौने की सहायता से उलट पलट कर इसे सुनहरा होने तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट बाद इसे एक बार फिर मैंने चला लिया है। अब भिंडी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, सुनहरा होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर इसे और मीडियम फ्लेम पे उलट पलट कर फ्राई करेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। ये देखिए, अब भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। लगभग 70 से 80% भिंडी कुक हो गई है। अब इसी स्टेज पे इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और कढ़ाई में डालेंगे फिर से तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब जीरा से तड़का लगाएंगे और इसके अंदर अब डाल लेंगे तैयार किया हुआ मसाला और इसे पौने की सहायता से अच्छे से उलट पलट कर पका लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करेंगे। फिर इसके अंदर डाल लेंगे कुछ सूखा मसाला। ये देखिए, ये पकना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पे डालेंगे मसाला, जिसमें लिया है धनिया पाउडर गरम मसाला के साथ, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे और लाल मिर्च पाउडर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को जब तक पकाना है तब तक मसाले के अंदर से तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए, मसाला अब तेल छोड़ चुका है। इसको पौने की सहायता से अच्छे से उलट पलट कर चला लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है। तो एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्जी अवश्य ट्राई करें, जो बहुत ही आसानी के साथ झटपट बन जाने वाली यह रेसिपी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब इसी स्टेज पर डालेंगे फ्राई किया हुआ भिंडी और 2 से 3 मीडियम साइज का टमाटर पतला पतला काट कर लिया है, उसको भी डाल लेंगे भिंडी के साथ और अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से और ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस तरह से बनी हुई भिंडी की सब्जी आप रोटी के साथ, पराठा के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के भी साथ सर्व करिए। सबके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, टमाटर अब अच्छे से पक गया है। मसाला और भिंडी सबके साथ अच्छे से मिक्स होकर पक गया है और अब यह सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसी स्टेज पर गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे।
ये देखिए कितनी ज़बरदस्त भिंडी और टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार इस तरीके से अवश्य ट्राई करें और हमारे चैनल को शेयर लाइक करना न भूलें।